उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पाया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला। नुक्ता ची शंकावादी यानी तर्क और वितर्क करने वाले, सीधी सी भाषा में कहूं तो ज्यादा जो बुद्धिजीवी है, बुद्धि का इस्तेमाल तर्क वितर्क में करते हैं, परिणाम फासले दूरियां डिस्टेंस बनी ही रहती है। नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला। तर्क और वितर्क घुमाते तो बहुत हैं, पहुंचाते कहीं नहीं, इसलिए ठाकुर स्वयं कहता है, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर का मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। विश्वास की बात, हिरण्यकश्यप खड़ा है तलवार लेकर, सामने प्रहलाद जी हैं, तपता हुआ खंबा भी है। हिरण्यकश्यप पूछते हैं, बता तेरा नारायण कहाँ है? यहाँ है। प्रहलाद जी तो पहुंचे हुए बोलते हैं, हाँ है, यहाँ है, हाँ है। तपते हुए खंबे की ओर इशारा करता है हिरण्यकश्यप, क्या तेरा नारायण इसमें भी है? हाँ पिता मैं, इसमें भी है, जाओ जाकर लिपट जाओ इससे, तपते हुए खंबे से। प्रहलाद जी सहज भाव में जाते हैं, उस तपते हुए खंबे से लिपट जाते हैं, कुछ नहीं होता। ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं हिरण्यकश्यप, उसे विश्वास हो जाता है, होना हो जरूर इसी के अंदर नारायण है। परिणाम नंगी तलवार लेकर दौड़ता है, जो ही उस खंबे पे प्रहार करता है, नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब दिखने में तो तपते हुए खंबे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, लेकिन सूक्ष्मता क्या है, हकीकत क्या है कि तपते हुए खंबे से प्रकट हुए या हिरण्यकश्यप के विश्वास से प्रकट हुए? क्यों प्रहलाद ने कहा यहां है, उसे विश्वास नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने कहा यहां भी है, विश्वास नहीं हुआ। जिस क्षण उसे विश्वास हुआ कि तपते हुए खंबे से प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, तो जरूर नारायण इसके अंदर है, ये उसके अंदर है, इसलिए प्रहार करता है। तो दिखने में तो तपते हुए खंबे से प्रकट हुए, लेकिन हकीकत क्या कहती है कि हिरण्यकश्यप को जिस क्षण विश्वास हुआ, नारायण उसी में से प्रकट हो गए। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण 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 था।
ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट बुलाया मैं झटका गया, धन्ना जाट ने बुलाया मैं झटका गया, धन्ना जाट बुलाया मैं झटका गया, धन्ना जाट ने बुलाया मैं झटका गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी जिन खोजा तिन पाइया। इसे सूफी संत भी कहते हैं कि ये कहना गलत है कि उसका पता नहीं है, ये कहना गलत है कि उसका पता नहीं है। दरअसल ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है, कोई ढूंढने की हद तक उसे ढूंढता नहीं है। इसीलिए खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता ची शंकावारी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंकावारी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंकावारी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंकावारी को मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, ये तो सच है कि तूने बुलाया, ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया 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 नहीं, ओ बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। तूने प्रेम से मुझको खिलाया, ओ तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। बात बड़ी सूक्ष्म है, ये कोई आलोचना नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी या कोई आक्षेप विक्षेप नहीं है, हकीकत है। आजकल 56 भोग का बड़ा जोर चलता है, हर जगह जहाँ भी देखो हमने सवा मनी की 56 भोग आज हमारी तरफ से। लेकिन 56 भोग का भी संतों का मत है, अगर प्रेम से लगाया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति सुनिश्चित है, लेकिन इसकी एक टर्म्स कंडीशन है। किसे हो प्राप्ति के प्रसाद बांटते बांटते उसके खुद के लिए बस जो उंगलियों में बचा रह गया वो उसे ही चाट ले। सब दरिद्रों के अंदर कोई भेद ना करे प्रसाद बांटने में तो ईश्वर की प्राप्ति सुनिश्चित है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी विडंबनाएं क्या है, या तो पहले बेस्ट पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि प्रसाद जितने का नहीं उससे दो गुना तो कॉस्टली डब्बा होना चाहिए, यूनिक पीस,
उसमें भी ये जमाई का, ये उस लड़की का, ये भतीजी का, ये भांजी का, ये फला पड़ोसी का, ये ब्यूरोक्रेट्स का, पहले सब तो बात इसलिए बनती नहीं। फिर कह रहा हूँ कोई खंडन मंडन नहीं, लेकिन अगर हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ना है तो कुछ सोचना चाहिए। ईश्वर क्या कह रहा है, वो चाहता क्या है, बात तभी बनेगी। हम अपनी चाहत उसके ऊपर थोपना चाहें, जरूरी नहीं हमारी चाहत मान जाए, हमारी मर्जी वो मान जाए जरूरी नहीं। ईश्वर की क्या मर्जी है उसके अनुसार चलेंगे, बात निश्चित तौर पे बनेगी। और वो इसीलिए कहता है ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, वो बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। प्यार को प्यार है सीधी सी बात है, 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 प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, वो प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान। मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया। कईयों ने सुनी होगी संत रस खान की कथा, पठान थे, कथाएं सुनी चर्चाएं सुनी कि वे वृंदावन में नंद का एक छोरा है जो ऐसी लीलाएं करता है, ऐसी क्रियाएं करता है, इतना सुंदर। वो श्रवण भक्ति जागृत हुई, मन के अंदर ये हुआ कि क्यों ना उस नंद के लाल से मिल लूं, एक बार जाकर उसके दर्शन अवश्य करूं। परिणाम चल पड़े वृंदावन की ओर, आए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे गोसाइयों ने रोक दिया कि भाई आपका प्रवेश निषेध है, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं। बड़े बेचारे व्यथित हुए, बड़े ही उन्हें ग्लानि हुई।
थोड़ी दूर जाकर रोने लगे कि मैं तो तेरे चर्चे, तेरी करुणा की, तेरी प्रेम की गाथाएं लीलाएं सुनकर तो मैं तुझे मिलने आया, और ये क्या अपने दरबार में भी प्रवेश नहीं। देखने की बात अलग, तुमसे बात करने की बात अलग, कुछ भी तो नहीं। बस रोने लगे, बिलखने लगे, आत्मग्लानि से भर गए। ये सत्य घटना है ब्रज के भक्तों में। कुछ समय के बाद जब बिहारी जी के पट खोले गए तो बिहारी जी के दर्शन लोगों को उसी ड्रेस में हुए जो सलवार और कमीज रसखान लेके आए। लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए कि बिहारी जी ने ये ड्रेस पहनी हुई है। सभी अचंभित, ऐसी ड्रेस तो कभी किसी ने चढ़ाई नहीं, आज बिहारी जी इस ड्रेस में कैसे। तब गोसाइयों का ध्यान संत रसखान की तरफ गया, फिर तो बात बदल गई। लेकिन ये वही रसखान जी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे पदों की बाद में रचनाएं की कि ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन, देखियो सुनियो कबहु न किते, वो कैसे स्वरूप वो कैसे सुहायन, टेरत हेरत हारी पढ़ियो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुर्यो वर कुंज कुटीर में, वो तो बैठ्यो पलोटत श्री राधिका पायन। शब्द बेगौर करें, उन्होंने कोई उनकी भावना नहीं कि श्याम सुंदर किशोरी जी के चरण चाप रहे हैं, देखियो उन्होंने ऐसा कुंजों में, निकुंजों में, निभृत निकुंज के अंदर देखा, और वही जो देखा वही शब्द परवान चढ़ गए। देखियो सुनियो वर कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत श्री राधिका पायन। ऐसी घटनाएं क्यों घट जाती हैं? है? प्यार को प्यार है सीधी सी बात है, 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 प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, कब पूछता है कि क्या जात है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, 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 मुझको रसखान सलवार पहना गया, मुझको रसखान सलवार पहना गया, सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, 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 नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, 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 उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, 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 Thank you.
प्यार की मर्जी के आगे, यार की मर्जी के आगे, यार का दम भर के दे, यार का दम भर के दे, तर्क से मिलता नहीं, वो तर्क से मिलता नहीं, अर्ज करके ही तू दे, तर्क से मिलता नहीं, अर्ज करके ही तू दे। बेइरादा मरने वाले चाहता तो कोई भी नहीं जाना, लेकिन मौत कब कहां किस क्षण आ जाए कि किसे भी पता नहीं, इसलिए बेइरादा मरने वाले बाइरादा मर के दे, जब मृत्यु अवश्यम भावी है, मरना निश्चित है, तो डिटर्मिनेशन एक डरता कि अब मरूंगा तो इन्हीं के चरणों पे मरूंगा, इनकी सूरत पे, इनके प्यार के लिए मरूंगा, और जिस क्षण तेरा ये निश्चय हो जाएगा, कर चुका सारे तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके दे, सारे तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके दे। और जैसे ही ये तमाशा करेगा, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी तेरे लिए आवे हयात। आप वैसे पानी को कहते हैं हयात यानी जिंदगी, लेकिन यहां आप यानी रस, जिस जीवन को तू भार समझ रहा है वो रस से पूरित हो जाएगी जब तू ये तमाशे में लग जाएगा। जिंदगी बन जाएगी तेरे लिए आबे हयात, सबको अपना करके दे, सबको अपना करके देखा, उनको अपना करके दे, सबको अपना करके देखा, उनको अपना बना के दे। और जैसे ही तू उसे अपना मानेगा, तेरे बन जाएंगे वो यार, जब तेरा है तो यार, जब तेरा है तो सारी है तेरी कायनात, सारी है तेरी कायनात, जिंदगी पे मरने वाले, जिंदगी पे मरने वाले, जिंदगी में मर के देख, यानी किसी का हो जा, अपना सेल्फ, अपनी ईगो स्वाहा, जिंदगी पे मरने वाले, जिंदगी में मर के दे, यार की
विषय मिलता नहीं। अर्ज करके भी तो दे, 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 अर्ज करके